स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके। आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी में पिछले साल के क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी हम बात करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि उसका फ़ायदा हो सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि उसका आपको फ़ायदा हो सके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि 0.14 बट्टे में 1.4 का स्क्वायर माइनस 0.11 बट्टे में 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.13 बट्टे में 1.3 का स्क्वायर क्या होगा। ये एनटीपीसी 2016 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, 0.1 बट्टे 1.4 का स्क्वायर है यहाँ पे, माइनस 0.11 बट्टे में 1.1 का स्क्वायर है, और इधर 0.13 बट्टे में 1.3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब आप जब देखेंगे ऊपर नीचे का जो वैल्यू है इसमें सिर्फ पॉइंट का अंतर है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कर देंगे कि ये एक फॉर्मेट में आ जाए। अब मान लीजिए ये संख्या देखे रहे हैं, अगर ऊपर वाले में 100 से गुना कर दें तो ये 14 आ जाएगा, और नीचे वाले में 100 से गुना कर देंगे तो ये भी 14 से ज़्यादा आ जाएगा। तो जब आप देखेंगे कि 0.14 में 100 से गुना करेंगे, 1.4 में 100 से गुना, ऊपर नीचे सभी में हम 100 से गुना करते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं, 0.11 गुने इसमें भी 100 से गुना कर देते हैं, नीचे वाले में भी 1.1 इंटू 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, आगे वाली संख्या में भी हम क्या करते हैं, 0.13 गुने 100 कर देते हैं, और नीचे वाली संख्या में भी 1.13 इंटू 100 कर देते हैं। इसलिए हम करते हैं कि ऊपर नीचे गुना करने से कोई अंतर नहीं आता है। अगर 100 को 100 से काट देंगे तो ये पुराना ही वाला, ये स्क्वायर जो है इन सभी में स्क्वायर जैसे का तैसे हम लगे रहने देते हैं। अब देखिए 0.14 को 100 से गुना करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 14 मिलेगा, और बट्टे में 1.4 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 140 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस अगले वाले संख्या में जब हम गुना करेंगे, 0.11 को 100 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11, और 1.1 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 110 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगली वाली संख्या में क्या करते हैं कि 0.13 को 100 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 13, और 1.3 को 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 130 का स्क्वायर। अब देखिए 14 को 140 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। 11 को 110 को काटेंगे तो ये भी 10 बार में कट जाएगा। 130 को 13 से काटेंगे तो ये भी 110 बार में कटेगा। तो ये सब में क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 1/10 का स्क्वायर यहाँ बचा, 1/10 का स्क्वायर यहाँ भी बचा, प्लस 1/10 का स्क्वायर यहाँ भी बचेगा। अब देखिए 1/10 स्क्वायर यहाँ प्लस में है, 1/10 स्क्वायर यहाँ माइनस में, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। अब बच गया, क्या बच गया, 1/10 का स्क्वायर बचा, 1/10 का होल स्क्वायर होता है 1/100। जब 1/100 आएगा तो 1/100 का मतलब अगर आप जीरो में रूपांतरण करते हैं इस संख्या इस टाइप में, ये हो जाएगा 0.01, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 0.01 आएगा। तो हम ऑप्शन डी में देखते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए सिर्फ पैटर्न को समझने की बात है, एक फॉर्मेट में इसको ला देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3146573814 जो डाटा की रेंज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि रेंज को कैसे निकालते हैं, रेंज क्या होता है। रेंज जो होता है, रेंज इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, ये क्या होता है,
अधिकतम मान यानी अधिकतम सीमा इसको बोलिए, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, अधिकतम सीमा अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान जो होता है, अधिकतम माइनस न्यूनतम जो मान होता है वही रेंज होता है, चाहे कुछ भी संख्या दे दे। तो जब इस क्वेश्चन में जाएंगे तो रेंज ज्ञात करने के लिए हमें देखना होगा कि सबसे अधिकतम इसमें मान क्या है। तो जब इस पूरा नंबर को देखेंगे तो सबसे अधिकतम मान कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8 माइनस न्यूनतम मान इसमें देखेंगे तो न्यूनतम दिया है 1, तो 8 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7, तो इस संख्या का रेंज हो जाएगा 7, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी अगर आपसे रेंज पूछे, पॉइंट में नंबर दे, कुछ भी दे, कितना भी बड़ा नंबर दे, उसमें से अगर आपसे रेंज पूछे तो सबसे अधिकतम मान को चूज कीजिए, जिसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या 8 है और सबसे छोटा संख्या 1 है, बस इन्हीं दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका रेंज आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 55 है तथा उनका अंतर 9 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। ये भी NTPC 2016 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको करने का दो मेथड है। चलिए पहला मेथड हम क्या कर लेते हैं, किसी भी संख्या का अगर योग दिया है, मान लीजिए दो संख्या है x प्लस y मान लेते हैं, इसका योग दिया है 55, दो धनात्मक पूर्णांक है, इसका योग दे दिया है 55, और उनका अंतर जो दिया है, इन दोनों का अंतर जो दिया है वो 9 है। ठीक है, तो इसे हम सिंपल मेथड से दोनों को जोड़ के, अगर दोनों को जोड़ के हम मान निकालें तो आप देखेंगे, जोड़ेंगे दोनों को तो y प्लस में है, माइनस में y y कट जाएगा, x और x क्या हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर 55 और 9 को जोड़ देंगे, 5 9 5 14 के 4 कैरी 1 5 1 6 यानी 64, तो x का मान क्या होगा, x का मान हो जाएगा 64/2 यानी कि 32। x का मान हमारे पास अगर 32 आ गया तो किसी भी संख्या में x का मान रख के y का मान निकाल लेंगे, तो x का मान अगर हम इस वाले इक्वेशन में रखते हैं तो x का मान कितना दिया है 32, तो ये 32 प्लस y बराबर 55 कर दें तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा 55 माइनस 32, तो 5 में से 2 गया 3 और 5 में से 3 गया 2 यानी 23। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि x और y का जो गुणनफल होगा ये क्या होगा, तो x हमारा क्या है, x का मान 32 है और y का मान कितना है 23 है, जब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यूनिट डिजिट से देख रहे हैं, यूनिट डिजिट से देखेंगे, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, और ऑप्शन को देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है, कुछ नहीं करेंगे हम, ऑप्शन बी को तुरंत मारेंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया, और दूसरा मेथड हमारा क्या होगा उसको भी हम देखें। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि x प्लस वाई 55 दिया हुआ है और दोनों का अंतर कितना दिया है 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दो संख्या का मान दिया हुआ है, दो संख्या का योग 55 दिया है और अंतर 9 दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या जो होगा, एक संख्या निकालने के लिए एक बार इसको जोड़ देंगे, जोड़ के इसे 2 से भाग देंगे, 55 को और 9 को जोड़ेंगे तो 64/2 यानी 32 आ जाएगा, यानी एक बार इसको जोड़ के दोनों मान को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो एक मान निकल गया। फिर एक बार क्या करेंगे, 55 को 9 से घटा देंगे, जब 15 में से 55 को 9 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 46, और 46 को 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 23, फिर 32 और 23 मान आ गया, फिर इन दोनों का गुणनफल कर देंगे, सेम वही यूनिट डिजिट के हिसाब से करेंगे, 32 गुना 23 दो तियाँ 6, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ऑप्शन को मारेंगे क्योंकि 6 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु 22% हानि पर रुपया 7020 में बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, एक तो इसे हम बेसिक मेथड से कह सकते हैं, कभी भी क्रय मूल्य आपसे पूछे, क्रय मूल्य पूछे तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने में 100 बट्टे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि।
ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। देखिए अगर आपका लाभ हो तो 100 प्लस कर देंगे, अगर हानि हो तो 100 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक मेथड है, इस पर हम पहले निकाल लेते हैं। जब विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, 7020 रुपये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, गुने में 100 बट्टे में 100 माइनस हानि हो रहा है, तो इसको करेंगे 100 माइनस 22, ठीक है। तो देखिए 7020 गुने 100 बट्टे में 100 में से 22 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 78, ठीक है, 78 बचेगा। तो 78 को 7020 को 78 से जब हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 90 बार में, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 90 गुना 100 बराबर 9000, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 9000 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य था, इसे 22% हानि पे बेचा गया तो 7020 रुपये में बेचा गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तो एक बेसिक मेथड हो गया, अगर फार्मूला आपको याद है तो आप क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटे में 100 प्लस माइनस लाभ हानि याद है तो कर सकते हैं, या इसे आप एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमको निकाल लेना है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस इधर लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि मान लीजिए 100 रुपया का सामान था, ठीक है, 100 रुपया का सामान था और आपने कितना 22% हानि पर बेचा, 22% हानि का मतलब हो गया हम 100 रुपया का सामान 78 रुपया में बेचते हैं, ठीक है। 100 रुपया का सामान अगर हम 78 रुपये में बेचते हैं तो हमें 22% की हानि होगी, ठीक है। और यही 78 किसके बराबर है, 78 है 7020 रुपया के, यानी बराबर है, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस 7020 रुपया के बराबर है। अगर हम एक रेशियो की बात करें तो 7020 बट्टा 78 यानी कि 90, यानी कि ये 90 गुना है, 78 का 90 गुना होगा तो 7020 होगा, ठीक है। तो इसी क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस का 90 गुना कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 9000 रुपया। तो आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर आपका बेसिक मेथड जो याद है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, आप उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके लिए हाजिर होता रहूँगा, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।